चलिए दोस्तों, मेरा नाम के अग्रवाल है और आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एफएक्यू भी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं फॉर कैश ट्रांजैक्शन। तो अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर पेनल्टी है, वो भी 100%। तो उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे, क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कैश ट्रांजेक्शन का, वही आपको समझाएंगे। आइए, जो सेक्शन है वो सेक्शन है 269ST और ये कहता है रिसीट ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव करेंगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा तो जितना भी आप कैश रिसीव करेंगे उतने ही रुपए की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आप 4 लाख रिसीव कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी भी 4 लाख रुपए की देनी पड़ेगी, यानी कि 4 लाख रुपए आपका गया। आगे देखिए, ये सेक्शन एप्लीकेबल किसको होगा, इट इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन कौन है, बोलते ये मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, माइनर मेजर चाइल्ड हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकता है, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड कंपनी फर्म कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कोई भी हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और कब एप्लीकेबल होगा, अगर वो कैश में रिसीव कर रहा है कितना रुपया, इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख, तो एग्जैक्ट 2 लाख रिसीव कर रहा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। किससे रिसीव कर रहा है, अगेन फ्रॉम एनी पर्सन, किससे रिसीव कर रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से भी अगर कैश इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख रिसीव करेगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे कंडीशंस मैं इसके एग्जांपल्स भी लूंगा। ए में लिखा हुआ है इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए सिंगल डे, यानी कि एक ही दिन में सेम पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करेंगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर कोई सिंगल आपने ट्रांजेक्शन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का, और फिर उसका पेमेंट भले इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं 2 लाख से कम, उसके बावजूद ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर सी, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट, चाहे मैरिज पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कॉन्फ्रेंस हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो, पर्सनल पार्टी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। अब ये जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, ये ट्रांजेक्शन किस चीज का, बोला ट्रांजेक्शन कैन बी सेल और परचेज ऑफ इनपुट्स, यानी कि रॉ मेटेरियल्स खरीदने का हो सकता है, आप ट्रेडर है तो आप स्टॉक एंड ट्रेड खरीदने का हो सकता है, या बेचने का हो सकता है, या आप लैंड खरीदने बेचने का, बिल्डिंग खरीदने बेचने का, भले आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन लेना, एक कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे रही है, डिपॉजिट करना, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, या आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो सकता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है, डज नॉट मैटर, दिस सेक्शन विल गेट अट्रैक्ट अगर ए बी सी किसी एक में भी अगर आप फॉल कर जाते हैं तो। अब आगे देखिए, ए क्या है, एग्जाम्पल वन, इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने कोई बिल काटा था 15 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए का फॉर सेल ऑफ फर्नीचर टू मिस्टर वाई, वाई के साथ आपने और एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 20 मई 2017 का फॉर 1.5 लाख फॉर सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर वाई। अब देखिए, ये ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटी का है, लेकिन टू ए सेम पर्सन है मिस्टर वाई, 1 लाख और 1.5 लाख, अब ये दोनों को मिला के 2.5 लाख। अब मिस्टर वाई मेक्स पेमेंट ऑफ ₹2,50,000 टू द सेलर ऑन 25th May 2017। अब इन एग्रीगेट फॉर्म ए पर्सन इन ए सिंगल डे वो रिसीव कर रहा है सेलर, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 269 एसटी गेट्स अट्रैक्टेड। अगर जैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा 100% पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि ये पैसा आपका नहीं रहेगा, फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा अगर पकड़े गए तो, ऑब्वियसली वो कंडीशन तो है। लेकिन अगर वो 1 लाख का पेमेंट और 1.5 लाख का पेमेंट डिफरेंट डे में करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो मिस्टर वाई 2.5 लाख का पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, 2,10,020 को और 40,021 को, तो जो पेनल्टी अट्रैक्ट होगी सेक्शन 269ST अट्रैक्ट होगा वो सिर्फ 2,10,000 के लिए होगा। गेट्स सेक्शन 269ST गेट्स अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड फॉर ₹2,10,000, सिर्फ ये वाली पेनल्टी लगेगी 2,10,000 पे, 40,000 पे पेनल्टी नहीं लगेगी। अब आगे देखते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो 15 अप्रैल 2017 को आपने 5 लाख रुपए का फर्नीचर बेचा मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई आपको 1 लाख रुपया पेमेंट 5 टाइम्स कर रहा है, यानी कि 1-1 लाख रुपया डिफरेंट डिफरेंट डेट को कर रहा है,
तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज दिस इन इट दिस पेमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन। आप इससे बच कैसे सकते हैं? आप 3 लाख रुपया चेक बैंकिंग चैनल के थ्रू दे दीजिए, बाकी 2 लाख रुपया कैश दे दीजिए, आप इस सेक्शन के दायरे में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, चाहे मैरिज पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो कैटरर, फोटोग्राफर, पंडित जी, होटल्स, बैंकवेट हॉल ओनर एटसेट्रा कैन नॉट रिसीव पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख, पेमेंट इन कैश इन एक्सेस ₹2 लाख। अगर 2 लाख रुपया से एक्सेस कैश में रिसीव करते हैं तो इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। जो पेमेंट कर रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसी के ऊपर हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेंगे कैसे? होटल, फोटोग्राफर, बड़े बड़े लोग पकड़ के वो उनसे वो डिटेल्स मांग के आपके थ्रू पहुंच सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं होगा? बैंक अगर कैश रिसीव कर रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कैश रिसीव कर रहा है, कॉपरेटिव बैंक कैश रिसीव कर रहा है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन इफ मोर देन 2 लाख। और इस इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस से, कॉपरेटिव बैंक से आप पैसा भी निकाल रहे हैं कैश में, यानी कि आप सेल्फ विड्रॉल कर रहे हैं, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और पेनल्टी कितना है? 100%, यानी कि 2.5 लाख रुपए आपने कैश रिसीव किया, पेनल्टी 2.5 लाख का, यानी कि गवर्नमेंट का हो जाएगा, जितना भी कैश आप रिसीव करेंगे इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। बाय बाय।